Audi A4 B9 generation. इस रिव्यू में हम A4 को डिटेल में एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या 1.8 लीटर इंजन से एक छोटे 1.4 लीटर इंजन पे आने में इसकी परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ा है। उसके अलावा हम A4 की प्रैक्टिकलिटी भी टेस्ट करेंगे और इसे 2023 में मिलने वाली न्यू सेडान्स के साथ भी कंपेयर करेंगे। अगर आप इस गाड़ी को मुकम्मल तौर से जानना चाहते हैं तो मेक श्योर टू स्टिक अराउंड टिल द एंड, और इन क्लिप से आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि इस रिव्यू में क्या आने वाला है। लेकिन उस सबसे पहले हम इसका क्वार्टर माइल एक्सीलरेशन टेस्ट करेंगे, सो लेट्स गो। 100 quarter mile. So, आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ जी Audi A4 का, और एक बड़ी स्पेशल A4 है। इस तरह की जो स्पेक में गाड़ियाँ पाकिस्तान में बहुत कम आई थी, और उसके बाद ओनर ने भी इसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं। अगर एक्सटीरियर से शुरू करें तो इस गाड़ी में जो फ्रंट स्प्लिटर है वो लगा हुआ है S4 का, लेकिन जो ग्रिल है वो RS4 की है, और कंप्लीट जो थीम है गाड़ी का वो ब्लैक्ड आउट है, और कहीं भी आपको क्रोम नज़र नहीं आएगा क्योंकि गाड़ी क्रोम डिलीटेड है। अगर हम इसी तरह साइड पे आ जाएं तो आपके पास जो व्हील्स हैं ये हैं ओरिजिनल व्हील्स, लेकिन इसमें भी ऑनर ने इसको कम्प्लीटली क्रोम डिलीट किया हुआ है, तो यू गेट ब्लैक व्हील्स, ये रैप्ड हैं। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके ब्रेक कैलिपर्स भी रेड पेंटेड है, तो साइड प्रोफाइल गाड़ी की बहुत ज़बरदस्त है। हर जगह आपको कहीं भी क्रोम नज़र नहीं आएगा, इवन ये जो विंडो सिल्स हैं ये भी क्रोम डिलीटेड हैं, और यहाँ पे आपको रैप हुआ हुआ मिलता है। और ये जो इसके डोर हैंडल्स हैं वैसे ये पार्शली क्रोम होते हैं और पार्शली बॉडी कलर्ड होते हैं, लेकिन इसका जो टॉप पार्ट है वो भी अभी इस पर रैप हुआ हुआ है, तो ये पूरा थीम पीछे गाड़ी पे आ रहा है। एक इसी कंसिस्टेंट लाइन है जो साइड पे रहती है, और जो अभी इसकी लेटेस्ट A4 आई है जो जिसमें फेसलिफ्ट था उसमें भी ये लाइन एज इट इज़ कंटिन्यू हुई है। अगर पीछे आए, पीछे से गाड़ी की लुक एक बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आपको एक जो बहुत डिस्टिंक्टिव लुक मिलती है वो ये कि इसका डिफ्यूज़र भी चेंज हुआ हुआ है, इस पर अभी ये कार्बन फाइबर डिफ्यूज़र लगा हुआ है, ये भी S4 है। और इसमें चार एग्जॉस्ट चिप्स हैं जो कि इस टाइम पे सिर्फ दो फंक्शनल हैं, लेकिन जल्द ही आपको बाकी भी ये फंक्शन मिलेंगी। अगर हम इसकी एग्जॉस्ट नॉइज की बात करें तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, ज़रा रेव करके चेक करते हैं। अब थोड़ी सी ट्रंक स्पेस की बात कर लेते हैं। अगेन आपको ये इलेक्ट्रिक इसका रिलीज मिलता है, लेकिन इसको जब आपने बंद करना है तो वो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। एनीवे जो इसकी ये ट्रंक स्पेस है काफ़ी मुनासिब है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे अगर लोकल गाड़ियों के साथ देखा जाए तो इट्स अ सी सेगमेंट सेडान, आप इसको सिविक के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और उसके अलावा लेट्स से टोयोटा करोला ग्रैंडे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उनके मुकाबले में थोड़ा सा नैरो है ट्रंक, लेकिन जो डेप्थ है वो अच्छी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद हैं, और ये आगे भी हैं और पीछे भी हैं, और इन्हीं की मदद से इस गाड़ी का एक और बहुत एक स्पेशल फीचर है विच इज़ ऑटो पार्किंग। वो आप बहुत एक्यूरेटली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें रेयर व्यू कैमरा भी है, और उसी के साथ जब ये पार्किंग सेंसर से प्रॉक्सिमिटी चेक कर रहा होता है तो आपके लिए गाड़ी पार्क करना बहुत आसान हो जाता है। अब गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग इसका इंटीरियर है, कुछ ईस्टर एग्स भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहली उसमें चीज़ ये है कि जो इसका ये ग्लव कंपार्टमेंट है इसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि आप अपना बाजू भी अंदर डाल सकते हैं, और ये बड़ी अच्छी तरह पैड भी हुआ है। और अगर आप इसके ये डोर पैनल पे देखेंगे तो आपके पास ये जो चाइल्ड लॉक हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली आप एंगेज कर सकते हैं, मैन्युअली आपको पीछे जाके नहीं करना पड़ता। फिर इसमें हीटेड साइड मिरर्स भी हैं जो आप डेडिकेटेड बटन के थ्रू चेंज कर सकते हैं, और तमाम विंडोज़ वन टच ऑटोमेटिक अप एंड डाउन है, खाली डाउन नहीं है। अब अगर इंटीरियर की तरफ आएँ तो सीटिंग में एडजस्टमेंट के ऑप्शन भी आपके पास ज़्यादा है। एक चीज़ जो मुझे पर्टिकुलरली बहुत बेहतर लगती है वो ये कि इसमें आपके पास फोर वे लंबर सपोर्ट की एडजस्टमेंट की ऑप्शन है, और ये ना सिर्फ ड्राइवर के लिए बल्कि फ्रंट पैसेंजर के लिए भी अवेलेबल है। लाइट्स के कंट्रोल्स जस्ट लाइक अदर जर्मन कार्स, मर्सिडीज में भी इसी तरह ही होते हैं, आपको साइड पे एक पैनल पे दिए जाते हैं, तो इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी हैं और आप तमाम लाइट्स को इधर ही कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं कैबिन स्पेस की बात करूँ तो वैसे साइज़ के हिसाब से तो सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई वाइड नहीं है, आपको विड्थ एज सच महसूस नहीं होती है, लेकिन जो लेआउट है वो बहुत अच्छा है, कन्वीनियंट है।
इस गाड़ी में बाय द वे 3 zone डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, और उसके अलावा जो एक चीज़ थोड़ा सा लेट डाउन करती है वो मैंने A5 के रिव्यू में भी बताई थी, इसकी जो ये स्क्रीन का साइज़ है इंफोटेनमेंट का वो बहुत छोटा है, और यू कैन डेफिनेटली फील कि ये टच स्क्रीन भी नहीं है, तो आपको ये इस डायल के थ्रू ही सारा कुछ कंट्रोल करना पड़ता है। इसमें ना एप्पल कार प्ले है ना ही एंड्रॉयड ऑटो की कोई सपोर्ट है। अगर हम नीचे इसके गियर लेवल पे देखें, ये बहुत एक मज़े का है वैसे, और इसमें आपके पास पाम रेस्ट भी है, आपने जब शिफ्ट करना है तो यू कैन इजीली प्लेस योर पाम हेयर, और आपका जो आर्म रेस्ट है उसकी भी बड़ी आइडियल हाइट है, तो आप यहाँ पे कन्वीनियंटली गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी इसमें ऑड लगी थी, मैंने A5 के रिव्यू में भी ये बात की थी कि अगर आपने म्यूज़िक आप सुन रहे हैं और आपने ट्रैक चेंज करना है तो उसका कंट्रोल आपके पास यहाँ पे स्टीयरिंग पे मौजूद नहीं है, तो ये चीज़ ऐसी है जो आपको फिर अगेन सेंटर कंसोल पे जाके चेंज करनी पड़ती है। अब इसकी जो रियर सीटिंग है उसकी भी बात करते हैं। वैसे लेग रूम तो बहुत अच्छा है और हेड रूम भी मुनासिब है, एक चीज़ जो डिसअपॉइंटिंग है वो ये कि इसका जो फ्लोर हम्प है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप पीछे 3 लोगों को बिठाएंगे तो डेफिनेटली लेग रूम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक और जो इसमें बहुत अच्छी चीज़ है वो ये कि इसमें मैंने पहले भी बताया था 3 zone क्लाइमेट कंट्रोल है, और आप पिछले जो पैसेंजर्स हैं वो अपनी कैबिन का टेम्परेचर इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। शाइल वैसे मुझे लग रहा है कि सीट थोड़ी सी आगे है तो पीछे करके लेग रूम दोबारा दिखाना पड़ेगा। चलें कर लें। तो अब अली ने इस सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट किया है और मुझे तो लेग रूम अभी भी वैसे सही लग रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा लेट डाउन करी वो ये कि अगर नेट की जगह आपके पास एयरप्लेन स्टाइल पॉकेट्स होती हैं तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होती हैं, और अगर इसके ये आर्म रेस्ट में देखें आपके पास 2 कप होल्डर्स यहाँ पे मौजूद हैं और एक छोटी सी कवी स्पेस है, इसमें आप अपना फ़ोन स्टोर कर सकते हैं, उसके अलावा सिंस इसकी कोई डेप्थ नहीं है तो और तो कुछ नहीं इसमें आएगा। सो अब अगर इसके इंजन की बात करें, ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो थी वो काफ़ी इकोनॉमिकल थी अगर हम बाकी जर्मन गाड़ियों से मुकाबला करें। ये 1400cc टर्बोचार्ज्ड इंजन है, ये TFSI Audi का जो है टर्बो इंजन को सिग्निफाई करता है, और इसकी जो हॉर्स पावर है वो क्योंकि एक इस पर छोटा सा टर्बो लगा हुआ है तो वो तकरीबन 150 हॉर्स पावर और 250 Nm ऑफ टॉर्क आपको मिलता था। परफॉर्मेंस के जो नंबर्स हैं आप लोगों ने शुरू में इसका ड्रैगी का रन भी देख लिया होगा और उससे अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसा परफॉर्म करती है। तो अब चलते हैं और देखते हैं गाड़ी की ड्राइव कैसी है। इधर नहीं, पीछे बैठो। तो अब हम गाड़ी की ड्राइव पे चलते हैं और हमारे साथ गाड़ी के जो ओनर हैं जकी वो भी मौजूद हैं। जकी जो हैं ये पहले भी हमारे पास आते रहते हैं, आप लोगों ने काफी सारी जो ड्रैग रेसेस देखी हैं वो हमने जकी के साथ की हुई हैं। सो जकी गाड़ी आपने चला ली है कोई अराउंड 89,000 के करीब। जी बिल्कुल। ब्रांड न्यू ली थी? नहीं, ये यूज ली थी। It was around 22,000 kilometers. ये 2017 का मॉडल है and we got it in 2021 20 के अंदर। तो इतनी माइलेज जो आपने रैक अप की है, मैं अज्यूम कर रहा हूं ये आपकी डेली ड्रिवन गाड़ी है। बेसिकली डेली ड्रिवन तो मेरी एक सिविक है, 2004 ईगल है, तो अगर मैं मतलब कच्चे वगैरह में जा रहा हूं तो वो मैं डेली लेके जाता हूं, बट दिस इज आल्सो अ डेली कार क्योंकि रात को मैं हमेशा निकलता हूं, तो वो घर में कम ही बैठता हूँ आपको पता है इस तरह का, तो या मतलब ये चलती बहुत है, ऊपर से कभी कभार छोटा भाई ले जाता है, सिंस आई हैव टू यंगर ब्रदर्स, तो चल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 89। अच्छा, तो ये बताओ कि ये इस सारी ड्यूरेशन के अंदर भी तकरीबन रफली आपने अराउंड 70,000 के करीब आपने जो चलाई है, ऑडी मेंटेन रखी है गाड़ी? जी ऑडी मेंटेन है, जब से ली थी और जिन से ली थी उनकी भी हिस्ट्री हमने देखी, तो इट वाज ऑडी मेंटेन। So, what's the main difference in terms of pricing? Because एक general concept है और है भी ये fact कि German गाड़ियाँ they are much more expensive to maintain. So, इसकी मुझे oil change की to start with routine बताओ कि कितनी देर बाद करवाते हैं और कितना expense है उसके ऊपर? जी Audi maintained है और Audi वाले Castrol-Edge use करते हैं क्योंकि वो एक उनकी एक है कि majority Audi में ये लोग Castrol और काफ़ी लोग और हैं वो बाहर से भी कराते हैं, बट वो थोड़ी मैं मानता हूँ कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ़र्क आता है अगर आप ऑडी से कराएं या फिर आप बाहर से कराएं, 15-20,000 का जी फर्क आ जाता है, बट ऑडी की लेवल इस तरह की कि आप तसल्ली है। ऑफ कोर्स एक जो कंपनी मेंटेन गाड़ी होती है उसका जो एजिंग प्रोसेस होता है ना, स्पेशली अगर आप इन टर्म्स ऑफ इंजन और मैकेनिकल्स बात करो जी, वो बहुत बेहतर होता है। कंपनी मेंटेन गाड़ियाँ जो हैं ये
बहुत अच्छी तरह एज करती हैं, ये उतनी पुरानी नहीं होती जल्दी। फिर अगर आप बाहर से कराते हो तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी स्किप होती हैं और गाड़ियां जल्दी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू हो जाती हैं। और आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि गाड़ी की मेंटेनेंस के हवाले से, तो 3 साल से ऊपर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी में ऐसे कोई इंजन से रिलेटेड या गियर से रिलेटेड कोई इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह इश्यूज नहीं आए। इसको प्यार से तो चलती है लेकिन इसको पुश भी मैं करता हूँ, अक्सर करता हूँ। तो गाड़ी में कोई इस तरह के काम गाड़ी ने नहीं निकाले या इस तरह का मुझे फीलिंग हुआ कि गाड़ी में कोई इशू ऐसे चाहे हो? सो पुश करने से मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम इसको डायनामिक मोड में करके इसको फ्लोर करके भी अगर देखें। हाँ, रिस्पॉन्स गाड़ी की काफ़ी अच्छी है और स्पेशली जब आप स्टेयरिंग टर्न करते हो ना, इवन एक्सेलरेट करते हुए, तो गाड़ी जिस तरह सड़क को हक करके चल रही है। ऑफ कोर्स जर्मन कार जो है दे आर नोन फॉर देयर हैंडलिंग, ब्रेकिंग एंड ग्रिप। वो प्लेयर जो सा है आपको वो मेरा ख्याल है किसी भी लोकल गाड़ी में सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको ये चीज़ मिल जाए। हाँ, आप लोकल गाड़ी लेके उसके साथ बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस करो, आप उसके अंदर सस्पेंशन की मॉडिफिकेशंस करो, आप टायर्स चेंज करो, रिम्स चेंज करो, काफ़ी ज़्यादा उस पर आप पंगे लो, तो फिर वो शायद इसके करीब आ जाए। मैं कंपेयर नहीं करता इस तरह गाड़ियों की, हर गाड़ी की अपनी खासियत होती है, क्योंकि ज़ाहिर है हर गाड़ी की एक्सेलरेशन या उसकी ट्रांसमिशन या उसकी ग्रिप ऑलराउंडर गाड़ी होना मुश्किल ही है। बट अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग एन A4 नॉट इवन एन A6 और A8 इट हैंडल्स प्रीटी वेल, आपको कॉन्फिडेंस देती है अराउंड द बेंड्स। अच्छा तो जकी मुझे ये बताओ यार कि फ्यूल इसमें हाई ऑक्टेन यूज कर रहे हो नॉर्मल यूज कर रहे हो? चीज अ प्योरली हाई ऑक्टेन। अच्छा, कभी नॉर्मल यूज किया नहीं, एक बार गलती से डाल गया था नॉर्मल, वो भी ऑटो सिटी में ट्रैवल कर रहा था इस्लामाबाद आफ्ताबाद वगैरह। माइलेज की बात करें तो अगर लॉन्ग पे आप 120 का क्रूज लगाएं तो आपको 17 से 19 की एवरेज मिल जाएगी आराम से। अगर आप इसको विद इन सिटी चलाते हैं रश में, फर्स्ट करें तो दोपहर 3 बजे आप चला रहे हैं वेरी क्राउडेड प्लेस, तो आपको 11 से 13 की एवरेज देगी। ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आया था इस जनरेशन में जी, और इससे पिछली में कि इन्होंने इंजन साइज जो उनसा था डिस्प्लेसमेंट वाइज वो लोअर कर दिया था काफी, लेकिन परफॉर्मेंस टर्म्स में ये गाड़ी भी लेट डाउन आपको नहीं करती डिस्पाइट द फैक्ट कि 1.4 है। ऑफ कोर्स उस 1.8 इंजन का वैसे अपना एक मजा था, बट ये इंजन जो सा है इसकी भी परफॉर्मेंस वाइज इतनी वैसे गाड़ी बुरी बिल्कुल नहीं है, आपको लेट डाउन नहीं फील होता। मुझे ये बताओ कि विजुअल मॉड्स तो आपने चलो करवाए हुए हैं, उस पर भी बात करते हैं जी, कोई इसके अंदर इंजन मॉड्स, ट्यूनिंग, ट्यून अप, कोई ऐसी चीज कुछ किया हुआ, ये प्लान है ऐसा कुछ करने का? प्लान तो है ट्यून का, मैं काफी आरएनडी कर रहा हूँ गाड़ी पे के किन किन ने ट्यून कराई भी है। कुछ ऑडी A6s हैं, A3 हैं जो ट्यून है, बट आई एम प्लानिंग टू ट्यून इट, बट वो डर लगता है कि यार गाड़ी की रिलायबिलिटी खराब ना हो जाए इस तरह, मतलब गाड़ी इशूज ना करे, तो मैं इसको ट्यून का वही माइंड बनता है फिर कच्चा हो जाता है, बनता है फिर कच्चा हो जाता है, तो डबल माइंडेड हुआ वो ट्यून के हवाले से जो कि सीयूटी में होता है। कुछ चीजें तो खैर बहुत ऑब्वियस हैं, लेकिन जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उन पे बात कर लेते हैं। एसी परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स अच्छी ही होगी सर, एसी है लोग ये ना कि कमेंट्स ना आना शुरू हो जाए आपने एसी परफॉर्मेंस की बात नहीं की। देखिए अभी विंटर है तो हमने रात में एसी चलते नहीं है, दिन में आप थोड़ा सा ही चलाते हैं, जैसे अभी इस वक्त 21 डिग्रीज है, मैंने हुडी पहना हुआ है बट हमने एसी वैसे ही चलाया हुआ क्योंकि धूप बहुत है, तो आपको कैसी लगती है? यार ये देखो, अगर तो आपने हुडी पहना हुआ होता ना जो ब्लूमबर्ग वाला मर्चेंडाइज है स्ट्राडा के नाम से, तो शायद आपको ज्यादा गर्मी लग रही होती, तो आपने बल्कि आज एक काम करना है जी, आपने हमारा हुडी ऑर्डर करना है जाके और प्रोमो कोड यूज कर लेना BBOD10 का। मिसिंग फीचर भी वैसे इस गाड़ी में मुझे कुछ कुछ नजर आ रहे हैं, कुछ फील हो रहे हैं जी, आपको वो फील होते हैं कि यार काश इसमें ये भी होता और वो भी होता? वही बात आती है अली भाई, आप ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती, आपको यही होता है कि आपकी गाड़ी में सारी फीचर्स हों जो मॉडर्न फीचर्स हैं इस तरह के, आप ताकि आपको ज्यादा टेक्नोलॉजी मिलेगी तो आपको मजा भी आएगा गाड़ी चलाने का, जिस तरह एप्पल कारप्ले है, एंड्रॉइड ऑटो है, तो A4 में सिर्फ वाइट एम्बर लाइट्स होती हैं और A5 में आपको कलर ऑप्शन दी जाती है, तो मैंने ये काफ़ी मैं मिस कर रहा था क्योंकि रात को एक कलरफुल एम्बिएंट लाइट्स तो आपको एक अच्छा लगता है, एक फील भी अच्छी आती है। लाहौर में जो भी गाड़ियां A4 आई हैं
बेली उनमें अभी किसी ने खुद स्पेक कराई है तो उसमें एम्बिएंट लाइट होगी, बट बाकी रैंडम नहीं होती। तो इसका मैंने एक आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाई थी फ्रॉम चाइना, और बेसिकली टुक अराउंड 13 आवर्स, रात 9 बजे शुरू हुआ था और सुबह 10 बजे तक ख़त्म हुआ था। एंड सिंस मेरा इस गाड़ी के साथ एक अपना ही बॉन्ड है, तो मैं सर्दी में भी बाहर बैठा रहा ताकि मैं देखूं कि गाड़ी किस तरह खुलती है। एक गाड़ी की एक चीज़ खुली थी, इट वॉज नो वेल्डिंग नो कटिंग ओनली बोल्ट ऑन। तो दूसरा मुझे इसमें मेमोरी सीट्स मिसिंग लग रही है। एग्जैक्टली, दैट इज अ वेरी वेरी गुड और ऐसा फीचर है कि आपको, हाँ, स्पेशली इलेक्ट्रिक सीट्स के साथ वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सीट्स जो है ना वो इनको सेटिंग चेंज करके वापस अपनी जगह पे लाना जरा ट्रिकी और वेग किस्म का काम होता है। इस गाड़ी की अब प्राइस ब्रैकेट अगर देखता हूँ, यूज में आज आप अगर ये गाड़ी लेने जाते हो तो आपको ये सिमिलर प्राइस ब्रैकेट में मिलती है सेडान्स के अंदर, जिसमें आपके पास ब्रांड न्यू सिविक 11 जनरेशन आती है जी, ठीक है, उसके अलावा सोनाटा भी जी, इसके करीब करीब ही आती है जी। सो नाउ द थिंग इज के मैं पर्सनली सबसे जो नीचे रखूंगा ना इस प्रायोरिटी के अंदर, दैट इज सिविक 11 जनरेशन, एंड इस गाड़ी को मैं टॉप प्रायोरिटी पे इसलिए रखूंगा, मैं अपनी सिर्फ पर्सनल बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी ड्राइव मजे की है, आपको थोड़ी सी जर्मन फील मिलती है। सोनाटा भी इट्स अ वेरी गुड कार, सोनाटा को भी मैं एक कहूंगा कि टफ कॉल है इसके और सोनाटा के बीच में। अब इसके अंदर जो ड्रॉबैक्स आते हैं वो ये है कि ये यूज गाड़ी है, सेकेंडली इसकी मेंटेनेंस इज रिलेटिवली हायर एज कम्पेयर टू दोस कार्स, तो ये दो मेजर ड्रॉबैक्स हैं। प्लस इसमें ऑफकोर्स आप अब एक यूज गाड़ी ले रहे हो और प्रोबेबली वारंटी वाला काम भी जोन सा है वो दामाडोली हो जाएगा आपका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जाके, ये भी आपकी गाड़ी है आई थिंक आउट ऑफ वारंटी हो चुकी होगी। लेकिन द थिंग इज के इन द फर्स्ट प्लेस इन गाड़ियों के अंदर मैंने नहीं सुना है कि यार A4 के स्टेयरिंग रैक आवाज करना शुरू हो गए हैं, वो प्रॉब्लम जो सिविक 10 जनरेशन में भी था 11 में भी है जी। तो यार जब स्टेयरिंग रैक खराब ही नहीं हुआ आपका तो आपको वारंटी चाहिए ही नहीं, ठीक है, देयर इज अ प्राइस यू हैव टू पे, दैट प्राइस इज रनिंग कॉस्ट एंड मेंटेनेंस, बट टोटली यार वर्थ इट। गाड़ी की जो फील है, गाड़ी की जो स्टेयरिंग की फील है, गाड़ी को मैं इवन ब्रेक भी करता हूँ तो यार पोल्स अपार्ट है गाड़ी। सो व्यूज, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन के अगर आपने वाकई में कोई अच्छी चीज लेनी है इतने पैसे लगा के, आइदर गेट अ ब्रांड न्यू सोनाटा या आप ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई फरारी है, ये कोई स्पोर्ट्स कार है, दिस इज अ फैमिली कार, बट इस बजट के अंदर, इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, इस साइज के साथ जरूर इसको एक्सप्लोर करें, एंड मेक श्योर कि आपने जो गाड़ी लेनी है वो ऑडी मेंटेन्ड हो, उसका कंप्लीट रिकॉर्ड अवेलेबल हो, और अगर है गाड़ी आप तसल्ली करें उसकी, गाड़ी आप इवन ऑडी की डीलरशिप से, ऑडी की वर्कशॉप से चेक करवाएं, और आप गाड़ी लें यार आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगी, ये भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने 70,000 चला ली और आपने सुन लिया है कि इन्हें सिवाय रेगुलर मेंटेनेंस के इस गाड़ी में अभी तक कोई किसी किस्म का अनफोर्सीन प्रॉब्लम नहीं आया, एटलीस्ट आई विल पर्सनली गो फॉर सच एन ऑप्शन। सो अपनी ओपिनियन आप भी व्यूज शेयर करें हमारे साथ, सी यू इन द नेक्स्ट रिव्यू, और जाने से पहले पहले अपनी हुडी जरूर ऑर्डर करें, प्रोमो कोड यूज करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।